I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. ये हैं शर्मा जी, शादी नहीं हो सकती। ये भी दिल्ली के उन कई परिवारों में से हैं जिनके घरों की बेटियों का दिल वीर के लिए धड़कता। अब औरों की तरह शर्मा जी भी इसी इंतजार में हैं कि कभी तो वीरे की वेडिंग होगी और इनके दिल को थोड़ी सी राहत मिलेगी। क्या हुआ? वो वीरे को चन्नी ले गई। और जी आप अपने बेड पे हो, शादी के मंडप में नहीं हो। और चन्नी तो अपने किचन में परौठे बना रही है। एक गल दसो, आप वीरे के इतने पीछे क्यों पड़े हुए हो और क्यों उसको इतना बुरा भला कहते हो? और इतना चंगा मुंडा है। और जी वो वीरा नहीं, वो हीरा है, हीरा। प्रभु अरोड़ा व्यापारी है, उनको फोन मत कर। पैसा इतना कि गिनते रहिए, गिनते रहिए, गिनते रहिए। और कंजूस इतने कि मांगते रहिए, मांगते रहिए। तुम्हारे कहने पे सेवियां बना दी है मैंने। चीनी पहले से डाली हुई है और डालने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने अपने हाथों से बनाई है तो। अगर अपने हाथों से बनाई है तो चीनी की क्या जरूरत थी डालिंग? बस हो गया रोमांस। शुगर पहले से ही बढ़ी हुई है इन दिनों। चलिए आइए नाश्ता कर लीजिए। तोला राम। हाँ जी दीदी। चाय बना दी? हाँ बिल्कुल। और शक्कर डाली? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। इनकी एक ही प्रॉब्लम है, इनका बेटा वीर जो इनके लाखों रुपए की चैरिटी करता रहता है और इनके दिल को जोर का झटका धीरे से देता रहता है। हमारे वीरे के कारनामे कुछ ऐसे छुपते हैं ना कि आदमी को दर्द भी हो और उफ भी ना करे। क्या हुआ, क्या है, बोलो ना, किया क्या है उसने? उसने 2,70,000 2 3200 पे खर्च किए हैं। हैं?
270,000 हाँ। दो बत्तीसियों पे दो? किसी का जबड़ा वबड़ा तो नहीं तोड़ा उसने? अरे बोलो ना, क्या कर रहे हैं आप? कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो हनुमान गली के पीछे तिलुक नगर है, वहाँ पे वो शरबत की गाड़ी लगती है। अरे वो मूछ वाले चाचा, उनके साथ वो छोटी एक चाची आती है जो तोते जैसे बोलती है। वो एक दिन टकरा है हमारे वीरे से बिन दांतों के, और वीरे से कहती है, बेटा हमें अखरोट खाने का बहुत मन कर रहा है। और तुम्हारा दानवीर वीर लेकर गए उन्हें सिटी हॉस्पिटल, और वहां पर उन्होंने क्या कहा पता है? हमें इम्पोर्टेड चाहिए। लगवा दिया इम्पोर्टेड, 1.35 का 1, 2.70 के 2। मुंडे ने काम तो बड़ा नहीं किया है। अब 4 दिन ही सही, दिल का तो खा लेंगे, है कि नहीं? डार्लिंग खा क्या लेंगे, एक तो 2.70 की 32 लग गई। अब हर रोज फोन आते हैं, हमें अखरोट भेजो, अखरोट खाने। अब अखरोट का बंदोबस्त करो। वाह। और सुनो, सॉरी मेरा फोन, और कोई भी उसके कारनामे हुए ना पहले मुझे फोन करके बताना, ये जब तक सुनता नहीं हूँ ना खाना पचता नहीं है मेरा। तुम कुछ भी कह लो, मेरा वीर है ना, दिल्ली का दिल है। एकदम सही समझे भैया, यही है अपना लौंडा वीर। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या? अबे यही तो प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है इनकी कोई, इसीलिए ये दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। है? अरे अभी तो मोबाइल देखा है उसका, लौंडा जब देखोगे तो। वीरे खबर है, एटीएम की वैन लूटने का प्लान है। कब? 11:30 बजे, 4 लोग हैं, टीपी से गुजरेंगे। क्या बात, अभी जल्दी भगा, जल्दी जल्दी उड़ाऊ। पकड़ना तो सीख ले भाई, माफ कर दो। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो सर। वो मेरी बहन की शादी है और 1,00,000 रुपए की जरूरत है सर जी, इसीलिए इनके साथ आ गया सर जी। प्लीज मुझे बचा लो सर जी, नहीं तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। प्लीज सर जी। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है सर, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है सर। माफ कर दो भाई, 50,000 की जरूरत है, घरवाली को सोने का हार देना है। घरवाली को? वो खाना नहीं दे रही भाई। क्या नाम है घरवाली का? दिया। हाँ? दिया। दिया। और पेन आएगा? भाई थोड़े से दे, भाई थोड़े से दे दो, भूख लगी भाई, थोड़े से दे, आज भी नहीं देगी, आज भी नहीं देगी। क्या करेंगे, भाग गया, हमें हमें छोड़ के। सबसे पहले सरकारी मुद्रा उठाओ, और अगली बार अगर ऐसा करते हुए दिखे ना तो इस पेटी में तुम दोनों की पोटियां होंगी, समझे? अपने 1,00,000 निकाल लेना, और तू अपना 50, कितना तेरा 50 ना, 50 उठा के निकल, आगे से ऐसा कोई काम मत करना, समझा ना? चलो उठा, एक गिन के। ये
वीर कहाँ है? सर वीर तो चला गया हमारे हवाले कर कर। पूरा ये? नहीं सर, इसमें 150,000 कम है। 150,000 रुपए सरकारी खजाने से चैरिटी करा गया। वीर तू नहीं सुधरेगा। तू बोलना। तुझे कैसा लगा? प्लीज हमें कुल्फी चाहिए। ए लाजवंती, कहे थे ना कि दिल्ली घुमाएंगे, घुमा दिए ना? क्या खाक दिल्ली घुमाए हो? इतना तो गर्मी पड़ रहा है आपका दिल्ली में, और कुछ खिलाए पिलाए भी नहीं। क्या खाओगे बताओ, अभी लाई देते। हम ना कुल्फी खाएंगे, वो भी बड़ा वाला। कुल्फी? वो भी बड़ा वाला? अरे बाप रे, पैसों नहीं है। अच्छा ये लो रॉकेट कुल्फी, और भी है। ये रहे 4,000। 4,000 और निकाल के रख। मैं और देता हूँ। गीत, मिस्टर वीर अरोरा तो रुक, आज मैं तेरी क्लास लेती हूँ। समझता क्या तू अपने आप को? हाँ पूरी जिंदगी तेरा वेट ही करती रहूंगी। सॉरी, जो कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं हूँ, तो कोई चीज ही नहीं है। हे भगवान, टाइम पे आना, कब सीखेगा तू वीर? पापा प्लीज पापा, मैं तेरी बुली नहीं बनने वाली, पूरी जिंदगी वेट ही करती रहूंगी मैं तेरा। हाँ समझता क्या तू? आज तू मार खाएगा मुझसे। बजरंगबली इज्जत रख लीजिए ना। नहीं खा। कहे थे ना कि बहुत इज्जत है हमारी। हाँ थैंक यू बजरंगबली जी। एक नंबर के डंगर खोते वीर अरोरा, तेरी लेट आने की बीमारी कभी खत्म नहीं होगी ना, जिंदगी भर तेरा वेट ही करती रहूंगी। मुझे ना मिसेज वीर अरोरा बनने का कोई शौक नहीं है, समझा तू? यार अरोड़े, मैं अपने कोकी से ना बड़ा परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ, अब क्या किया उसने? उस लड़की को भी रिजेक्ट कर दिया बंदे ने। अच्छा, कहता है इसकी आवाज अच्छी नहीं है। यार अरोड़े, मेरा बीपी जब भी थोड़ा सा नॉर्मल होने लगता है ना, ये बंदा कुछ ना कुछ गुल खिलाई देता है। भाई साहब, आपका बेटा गुल खिलाता है ना? मेरा वीर है ना, पूरा बगीचा खिलाता है। अच्छा। अरे कुछ दिन पहले मैं कोलकाता गया था 3 दिन के लिए, वीर ने ये सारी फैक्ट्री संभाली। मेरा एक खास बंदा है शंभू, 50 साल का है, उसका इल्लू इल्लू हो गया एक पार्लर की मेहंदी वाली से। क्या किया वीर ने? क्या शादी करवा दी दोनों की? हाँ तो ठीक है ना, अच्छा किया ना। अरे हाँ अच्छा, 3 महीने हो गए शादी को। हाँ। अब तक बंदे का हनीमून चालू है। ओ भाई साहब, मेरी सारी डिलीवरीज की बैंड बज गई है। 3 महीनों में इतने झूठ बोले हैं मैंने ना, पूरी जिंदगी में नहीं बोले मैंने, और ये सब वीर की वजह से। और वीर तो चेला है। अच्छा? वो मेरे बड़े भाई थे ना निक्कू। हाँ। निक्कू पाजी का जो बेटा है ना बल्ली, वो इसका गुरु है। अच्छा। अगर वीर शेर है ना, तो बल्ली सवा शेर है। तू तो रानी है, पुलिस में शहीद होने के लिए थोड़ी ना बनी तू। तू तो मेरे जैसे राजे का दिल बहलाने के लिए है। पुलिस की कार्रवाई को रोकना पहला अपराध, पुलिस के अधिकारी की वर्दी को छूना दूसरा अपराध, और अगर वो अधिकारी महिला हो तो वो तीसरा अपराध। 240, 324 और 338 के तहत सबके सब अंदर जाओगे, कम से कम नहीं तो 11 साल की लगेगी। पुलिस ने चारों तरफ से तुम सबको घेर रखा है, अपने अपने हथियार फेंक दो, जहां खड़े हो वहीं के वहीं फेंको हथियार। अरे उल्लू के पट्ठो, ये क्या कर रहे हो? अबे हम कैसे मान ले कि बाहर पुलिस आई है? ओए जाने क्या। जी भाई। वो क्यों?
तेरी क्या पुलिस की गोली से फटती है भाई? फुद्दू बना रहा है, कोई पुलिस नहीं है। नहीं है तो आ जाएगी। और मैं तभी इसके लिए निकली थी, दरअसल मेरी जो टीम है ना वो फंस गई ट्रैफिक में, पर मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। मैं बल्ली, मेरा काम यहाँ। काम तो आपने कमाल का करा है जी। क्या कमाल किया है? दीवार का सीन था, शशि कपूर साहब ने निभाया था, थोड़ा बहुत मैंने निभा दिया। हाय, तो बड़े लोगों का स्टाइल होता है जी, अपने ऊपर क्रेडिट लेते ही नहीं। पर एक बात कहनी पड़ेगी, ये मुलाकात जो है फिर जरूर होगी। मैं रानी चौधरी, इंस्पेक्टर रानी चौधरी, गोल्ड मार्केट थाने। थैंक यू जी। पुलिस वाले थैंक यू कहते अच्छे नहीं लगते। पुलिस का काम है सर्विस करना, थैंक यू बोलना जनता का काम है। हाय, रानी चौधरी को इग्नोर मार के गया। जनाब अर्ज किया है, शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ मैं। वाह बुझा दो, एक दिल ही काफी है किसी की याद में जलने के लिए। किसी की याद में जलने के लिए, वाह 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 वाह, मजा आ गया। शुक्रिया, दिल खिला दिया। पैग लगाओ, पियो, फ्री की है पियो। सरकार एक बात पूछनी थी आपसे। आप हमेशा ये दर्द की चाशनी में लपेटी हुई शायरियां ही क्यों सुनते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ आपके साथ? इस दिल में दर्द ही दर्द है गुमराह साहब। एक लड़की मिली, मोहब्बत हुई, और मोहब्बत को अंजाम पे चढ़ाने का माहौल भी बना। अरे बहन जी, आप ये बालूशाही तो लीजिए। नो थैंक यू जी, वो क्या है ना, फिगर मेंटेन करने के लिए स्वीट्स अवॉइड करती हूँ। लो, अब भला स्वीट्स भी कोई अवॉइड करने वाली चीज है। ले लीजिए, वरना चाची, क्या है ना कि मॉम डैड के गुजर जाने के बाद चाची ने कान खींच खींच के बड़ा किया है मुझे। इनसे अच्छी चाची, इनसे अच्छी माँ कोई हो नहीं सकती, और आने वाले वक्त में इनसे अच्छी सास। अरे चाचा जी भी आ गए। ये भी आ गए। अरे वाह वाह वाह, ये घर तो बड़ा खिला खिला सा लग रहा है आज। ये हेलो जी। हेलो, ये चाचा हैं मेरे, और इनका डबल रोल रहा है, पापा का भी और चाचा का भी। हेलो जी। हेलो हेलो जी, नमस्ते जी। अरे भाई, हमने तो फोटो देखकर ही अप्रूवल दे दी थी। अच्छा बल्ली, तुमने मल्लिका के बारे में सुगंधा को बता दिया होगा ना? बताया नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ शादी से पहले सारी बातें बता दो, उसके बाद में अगर पिटारा खुला तो तकलीफ हो जाएगी। अरे इसके सर पे 2400 घंटे मल्लिका का बुखार चढ़ा रहता था। आप लोग समोसे लीजिए ना। लीजिए ना। वैसे तो ये ना सीरियस लेने वाली चीज ही नहीं है। हम वो मजाक करते रहते हैं। वो 12 खंबा के पीछे जंगल है ना, उसमें 3 रातें गुजारी थी उसके साथ। अरे मैंने कहा अंडरवेयर तो बदल लो। सुगंधा बैठी क्या है, चलो मजाक कर रहे हैं। आपके मजाक ने मरवा दिया। सुगंधा, सुगंधा मेरी बात तो। मोहब्बत का चिराग जला ही था कि चाचे की फूंक ने सब बुझा दिया। हेलो सुगंधा, मैं कब से तुम्हारा फोन लगा रहा हूँ। अरे जिस मल्लिका की ये लोग बात कर रहे हैं वो मल्लिका शेरावत है, मैं उसका फैन हूँ। 25 बार देखी है मैंने मर्डर। मैं 12 खंबा के जंगलों में था उसके साथ, मगर वो इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ियां लगी थी उसकी शूटिंग पे। देखिए, मैं सुगंधा नहीं अनु बात कर रही हूँ, सुगंधा की फ्रेंड, और सुगंधा का फोन मेरे पास है। ओ, हेलो अनु जी, इससे पहले कि मेरी मोहब्बत कमी ना ढह जाए, अनु जी प्लीज फौरन मेरी सुगंधा से बात करवा दीजिए। बाय द वे मिस्टर बल्ली, सुगंधा का 3रा फेरा चल रहा है और आपकी मोहब्बत का मीनार ऑलरेडी ढह चुका है। क्या? अब तो ये आलम है कि दर्द को सहलाने से नहीं कुरेदने से सुकून मिलता है। इसी बात पे एक और हो जाए। ओ तेरी
हेलो। वाह चाचा वाह, मेरी मोहब्बत का रायता फैला के कुछ चैन की नींद सो रहे हो? इस 35 साल के कुंवारे को अकेलेपन के रेगिस्तान में भटकता छोड़ के खुद चाची के साथ जप्पी डाल के लेटे हो, शर्म करो। कुंवारों की हाय लगेगी तुमको, अगले 7 जन्मों तक सहरा नसीब नहीं होगा तुमको चाचा। अब सो जाओ। किसका फोन था और कौन हो सकता है इतनी रात को मेरी आत्मा को शांति देने वाला? बल्ली बहुत प्यार करता है आपसे। For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.